सर कैसा एक्सपीरियंस आपको ट्रेन का थोड़ा सा बताइए आप स्टार्ट करिए प्लीज यू स्टार्ट ये मतलब कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि हमने इन लोगों ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया है, जो राइटर हैं नीता श्याम और डायरेक्टर जो यहाँ मौजूद नहीं है आज, शी इज़ इन द यूके, तो दे स्टार्टेड द जर्नी लॉन्ग बैक, प्रोबेबली दे ग्रू अप सीइंग सो मेनी थिंग्स, बट माय जर्नी स्टार्टेड इन लंदन, आई वाज देयर फॉर अ फिल्म शूट एंड बोथ ऑफ देम नीता एंड नतालिया केम टू narrate their story and I loved it and in the middle of like height of coronavirus lockdown in the UK we shot the film and now it's here traveled across the globe actually literally so itne saal ka experience ke baad easy lagta hai industry mein abhi ya aur responsibility ki wajah se wo difficult lagta hai kya aapko kya lagta hai kya cheez itne saal ka experience aapke industry mein hai so abhi kaam karna aur easy lagta hai ya responsibility ki wajah se aur difficult lagta hai आई थिंक ईजी तो होनी नहीं चाहिए, डिफ़िकल्ट रहना चाहिए, नहीं तो क्यूरियोसिटी और जो एक क्या कहते हैं उसको एक कॉम्प्लेसेंसी ना होना आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट के लिए एक्टर के लिए और सिंगर्स के लिए अच्छा नहीं है कि मुझे तो अब सब मालूम है, देन यू गेन अ वेरी ऑडेशियस एरोगेंस विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ गुड for your creativity I think you should sir, be always up lastly jab footprint ka option aapke paas offer aaya tha mam to kya mind mein thought thi ki aapke aayegi kya reason se aapne movie kari thoda sa bata I love the journey I there are three main reasons one is that when we dream about something we must find out the truth what we dream about like when I dreamt to become an actor my father said that there would be lot of difficulties and I was ready so we dream a lot of things like immigration is about looking for a greener pasture somewhere else when you are troubled here economically or for some other reasons but then there are a lot of people those who take advantage of that innocent and ignorant dream so that is one of the reasons that I wanted to be part of it to tell the story that sambhal ke बी केयरफुल आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो एक तो वो है दूसरा ये है कि इस किस्म के रोल्स आपको करने को हमेशा नहीं मिलता है जहाँ इतने सारे इमोशंस के अंदर से आप गुजरते हो तो इसलिए नीता को और उनके छोटी बहन जो डायरेक्टर है नतालिया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मोहन नादर जी जो हमारे प्रोड्यूसर है उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इस किस्म के स्टोरीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस किस्म के स्टोरीज जो महत्व उसका जो महत्व है वो समझते हैं बहुत कम लोग समझते हैं तो उन्होंने प्रोड्यूस किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको केतकी जी हमसे बात करें लगी नहीं ना पहले तो आप आइए पहले नहीं नहीं पहले तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका ये एक अलग कहानी है एंड हम PPHQ में ऐसी कहानियाँ कहना चाहते हैं जो अलग हो जो समाज में एक मैसेज दे और जब हमारे पास ये कहानी आई तो हमें बहुत ही पहले तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि हम ऐसी कहानी करना चाहते हैं और मेरे जो पार्टनर हैं मोहन उनका एक विजन है कंपनी को लेके और उन्होंने इसको सपोर्ट किया अगर हमने कोविड टाइम पे शूट किया था बहुत डिफ़िकल्ट फेस रहा बट हमने कर लिया एंड वी सो नतालिया और राइटर है उन्होंने सोचा और वो कहानी आई हमारे पास वो लोग यूके से है और यूके के जो इमिग्रेंट है उनकी इनसाइड प्रॉब्लम्स इतने लोगों को नहीं पता इनसाइड प्रॉब्लम्स जो इतने लोगों को नहीं पता है तो ये उसको यू नो एक उसका एक नज़रिया है जो बहुत ही सेंसिटिव है और अगर आप देखेंगे फिल्म तो आपको समझ आएगा कि वो कितना वास्ट ऑडियंस है जिसको ये कहना चाहती है
मुझे लगता है कि ये कहानी बड़ी स्पेशल है, बहुत ही इमोशनल है, और इसे जो भी लोग इमिग्रेंट है जो जाएंगे कहीं पे भी, तो उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज है। मोर देन दैट, एक फादर की कहानी है जो अपनी बेटी के लिए कितने ही यू नो रास्ते आगे जा सकते हैं। थैंक यू। So we moved to UK about Okay. So Footprints on Water is inspired by real life events. We moved to the UK 20 years back, and when we first came to the UK, we were based in a place called Southall in West London. It is a immigrant centric place, and one of the first things that we noticed was that there were a lot of people who were living in like in a three bed house. There would be like 16 or 17 or even 20 people living in a three bed house. So something was off, and that is the reason why we looked into it and understood that these are actually illegal immigrants living in Southall. And Southall is just one city in UK. There are lots of different parts or immigrant centric places in the UK where illegal immigrants. And one of the main reasons that inspired us to tell the story of immigrants, there hasn't been a movie that shows the darker side of UK, just the side of UK that is not so common in the Bollywood movies. And this story needs to be told, and it gives us a great joy that this film is out here to watch and enjoy it and all of you. Because this is a story that needs to be told, and this is a story that needs to be heard as well by the whole world. So one of the main actors in the movie, so So hello, yes, I'm Alexi in the firm Footprints on Water. Am I chalu hai ya? Hello, so my name is Danny Sura. I play Alexi in this fantastic firm Footprints on Water. So the experience of working in the firm was fantastic. I got to share many scenes with Mr. Adil Hussain, sir. The firm is very close to my heart because it's a story about illegal immigrants that come over to England and the life that they have to live. So support the firm. That lady there, she wrote it, fantastic, and you're gonna like it. So thank you, namaskar, jai hind, sat sri akal, adab. हम लोग जब यूके जाते हैं और यूके में हम लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, हर चीज़ सुंदर प्यारा सा लगता है, ऐसे हकीकत नहीं है। यहाँ एक बहुत सारा अंडरबेली है जो इलीगल इमिग्रेंट्स की स्टोरीज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आके बिना वीजा के आते हैं, बिना परमिशन के रहते हैं, और उनका बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आजकल, ज़्यादा है, लेकिन इसको हमने कभी दिखाया नहीं, कभी दर्शाया नहीं। जब ये स्टोरी मेरे पास आई, स्टोरी मेरे डायरेक्टर जो है उनके साथ रियल घटना उनके बहन के साथ हुआ था, स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा ये आपको बोलना चाहिए। और हमने पहली बार हमको वैसे भी ब्रिटिश फिल्म इंग्लिश फिल्म अटेम्प्ट करना था, बॉलीवुड फिल्म नॉर्मली कर रहे थे, मराठी कर चुके थे, तमिल साउथ इंडियन फिल्म कर चुके थे, तो ये जब आया तो हमको अच्छा लगा स्टोरी, हमको इसको बनाना चाहिए। और तभी कोविड भी शुरू हो रहा था, बोला इसको कोविड के पहले ख़त्म करते हैं, ये स्टोरी बोलना ज़रूरी था। आदिल जैसे एक्टर के साथ काम तो बहुत ईजी हो जाता है, उनके साथ मेहनत ही नहीं करना पड़ता है, वो हर चीज़ में इजी है, काम में भी इजी है, एक्टिंग में तो है ही है, माहिर हैं वो। कभी परमिशन कोई किसी भी चीज़ के लिए नहीं आना, खुद गाड़ी चला के आते थे, अपनी गाड़ी चला के जाते थे हम किराए पे, उनकी अपनी फैमिली आई थी, अपना खाना खुद बनाते थे, तो हमने को वाले लगा ही नहीं हम शूट करें, हमको लग रहा था पिकनिक में बैठे हैं, हम सबको खाना भी वही खिलाते थे। देखो हम लोग सब जगह कहीं से आते हैं, कहीं ना कहीं बसने की कोशिश करते हैं,
ये स्टोरी इसके लिए लगता है कि आज हम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हर जगह अच्छा नहीं है। हमारा देश जो है, मैं खुद वहाँ रहता हूँ, यूके में रहता हूँ, मुझे लगता है, लेकिन बॉम्बे जैसा शहर कोई नहीं है। बहुत सारा चीज़ जा सकते हैं, हर चीज़ हरियाली नहीं है वहाँ पर। वहाँ प्रॉब्लम अच्छे भी हो बुरे भी हैं, आपको सोच समझ के हर चीज़ करना चाहिए, हर चीज़ जाना चाहिए, फर्क के जाना चाहिए। फिल्म को एंजॉय करो, देखो आप, मज़े लो, अच्छी बनी है, ट्रू स्टोरी है, थोड़ी ग्रिटिंग है, ग्रिपी है, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो हर चीज़ हम बॉलीवुड की नज़र से नहीं देखें, इसको तो अलग नज़र से देखें।